संसार के सप्तऋषियों का मंडल आप आकाश में देखते हैं, ध्रुव को इस पृथ्वी से ऊपर के आकाश मंडल में देखते हैं, महाअवतार बाबा हो, श्रीदेव साई बाबा और सिद्धाश्रम हो, ये सिद्धाश्रम के मुनि योगियों को आप आकाश में तारामंडल के रूप में देखते हैं। ये लोग पृथ्वी से ऊपर उठकर हुए और स्थिरता के रूप में ऊपर रहे, उनका प्रेम, उनकी श्रेष्ठता, वही देवता बने और देवता बनकर आपकी कृपा, आपको कृपा करने के लिए आ रहे हैं। क्या आप देवता नहीं बन सकते? आप ऋषि नहीं बन सकते? ऋषि ही देवता, देवताओं को पृथ्वी पर लाकर आपको मार्ग बताते हैं। इस कार्य को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? यह पृथ्वी आपको धारण करती है, इसलिए उसके धरणी कहा गया है। और ये पृथ्वी आपको धारण करने के कारण आप उस धरणी का क्या ऋण चुकाए हैं, किस तरह उस धरणी का ऋण चुकाए हैं कि जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, क्या आपने सुख अनुभव किया है? उसको अनुभव करने से पहले आपका प्रश्न आपको पृथ्वी करती है कि तुमने मेरा ऋण किस तरह चुकाया? क्या इस पृथ्वी पर तुमने पेड़ पौधे लगाए? क्या इस पृथ्वी पर वर्षा होने के लिए तुमने कुछ कार्य किया है? क्या इस पृथ्वी पर तुमने कुछ मनोत्सर्ग करते हो, तुम्हारे इसके ऊपर, इसी के ऊपर तुम्हारा मन सब डालते हो, क्या उसको स्वच्छ करने की प्रक्रिया की है? क्या इस पृथ्वी के बारे में तुमने किया? पृथ्वी का वह ऋण तुम जिस दिन चुकाओगे पृथ्वी तुम्हारा ऋण चुकाएगी। यही कार्य क्षेत्रफल के रूप में राजा क्षत्रिय बनकर करता है। ब्राह्मण इस संसार में उस देवताओं को लेकर पृथ्वी को सुशावल बनाने के लिए वर्षा, वरुण आदि लोगों को लेते हुए पृथ्वी की गंगा, नदी आदि सब पृथ्वियों को शुद्ध रखने की बात करता है। वैश्य इन सभी को शुद्ध रखने के लिए किस क्रिया को रखता है, उसका समाहित करते हुए, उसको धन के रूप में रखते हुए काम करता है। और जिस प्रकार के हम शुद्ध लोगों को शुद्ध का अर्थ होता है, इस संसार में शकर या अच्छे कार्य को करने वाले को शूद्र, अंतर का मतलब है कार्य करने वाला, शूद्र का करने वाला, शुभ कार्य करने वाला उसे शूद्र कहा गया। शूद्र कोई गाली नहीं है, शुभ कार्य को करने वाले को शूद्र कहा गया। और वह कार्य करने के कारण ही आज हम जिंदे हैं, उस फूल फलों को लेकर करने के कारण। तो इस प्रकार इस धरणी को धारण करने वाली चार जातियां हमारे पास मनाई गई। हम क्या इन जातियों को लेकर चल रहे हैं? हमारा कर्तव्य पृथ्वी के प्रति हम कर रहे हैं? पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े कर्तव्य पृथ्वी का भार बढ़ा रहे हैं, हमने भी उसका भार बढ़ाया। क्या ये भार उतारने के लिए हमने कुछ कार्य किया है? और जब तक पृथ्वी का ऋण तुम नहीं चुकाओगे, पृथ्वी पर कभी सुखी नहीं रहोगे। पृथ्वी का ऋण चुकाने के लिए तुम्हें कार्य करना है। पृथ्वी का ऋण चुकाने के लिए पृथ्वी जहाँ सूखती है वहां तुम उसको जल का स्त्रोत्र बनाना है, उसके ऊपर ऐसे पौध पौधों को लगाना है जिसके कारण उसे शिशामणा होते हुए अपने आप को अनुभव करे। उसके पत्र, उसके फूल, पुत्र और पुत्री, उसके फल और पेड़ ही है। जहाँ फूल और फूल नहीं हुए, पृथ्वी अपने आप को रोती हुई नजर आती है। इसलिए हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पृथ्वी भी रजस्वला होती है, पृथ्वी भी दुखी होती है जहाँ उसके ऊपर वर्षा नहीं होती। और रजस्वला होने के कारण कहते हैं कि उस समय में पृथ्वी पर यज्ञ आगाधि नहीं किए जाते। पृथ्वी में भी वही सुख है। पृथ्वी के पति कौन कौन थे आपको भी ये पता है। विष्णु को भी पृथ्वी का पति कहा गया है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षणस्व में ऐसा कहते हैं। पृथ्वी के पति को विष्णु रूप में कहा गया है। इसी पृथ्वी को पृथ्वी नाम का राजा हो, उसकी पुत्री के रूप में भी पृथ्वी को कहा गया। पृथ्वी मेदिनी के रूप में कही लाई गई। पृथ्वी के इस संसार में कितने नरकासुर भी आया जो पृथ्वी का पुत्र कहलाया। सत्यभामा भी पृथ्वी की पुत्री कहलाई। इस प्रकार इस संसार में सीता माता भी पृथ्वी की पुत्री कहलाई। तो यह सारी चीजें क्या हुई, इसके पीछे अर्थ क्या है, यह जब तक रही इसके किसके लिए यह सारा कार्य हो? हम इस पृथ्वी का ऋण जब तक नहीं चुकाते, इस पृथ्वी के ऊपर सुखी नहीं रहेंगे। और इस पृथ्वी के ऊपर सुखी रहने के लिए जो कार्य करना है, उस कार्य को किस तरह करें, ये पृथ्वी महाराज बताते हैं। और जब तक यह नहीं होता, हम इस संसार में सुख शांति अनुभव नहीं करते। इसलिए धरणी धरे कहा गया है। हे धरणी, तू धारण करने वाली, हमें तूने धारण किया है, तो हम तेरा ऋण किस तरह चुकाएंगे? हम तुझे प्रार्थना करते हैं कि तेरा ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना है। यही ऋषियों ने उस समय वेद नाम के राजा को बताकर सप्तऋषियों ने कहा, हे राजा, पहले पृथ्वी का ऋण चुका। तू मत बोल कि तू इसका राजा है, या तू इसके ऊपर किसी भी तरह जिएगा, इसको किसी भी तरह कार्य करते हुए इसको दुख प्रदान करेगा, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। तब वेद को सप्तऋषियों ने जो मंत्र देते हुए कहा कि इस पृथ्वी का ऋण किस तरह चुकाया जाता है, इस पृथ्वी पर तू भाग्यवान किस तरह बनता है, इस पृथ्वी पर तू स्थिरता के साथ किस तरह जी सकता है, इस पृथ्वी पर तुझे काट कर तेरे रक्त को अगर लेता है तो तूने पृथ्वी का ऋण चुकाया नहीं है, तेरी हत्या होती है तो इसके पृथ्वी का ऋण तू नहीं चुकाया है, पृथ्वी तेरे रक्त के लिए विपाशी है, क्योंकि तूने उसका रक्त खींचा है, तूने उसका रक्त सींचा है, ऐसा कार्य हम पृथ्वी पर करते हैं। क्यों ये युद्ध होते हैं? क्यों युद्ध के लिए? कि जिसने पृथ्वी पर अच्छे अच्छे पेड़ों को काट दिया, अच्छे अच्छे नदियों को स्तंभन किया, आज भी नदियां प्रवाहित होने वाली कही गई। एक बार दत्तात्रेय भगवान ने एक राजा को कहा कि राजा, नदी सूख गई थी, तो उसने कहा कि मैं नदी का बांध बांधूंगा, नदी को एक इकट्ठा पानी करके बांधूंगा। तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा, तालाब ये अलग है, नदी को नहीं बांधना, पानी को दूसरी जगह जाना। अपने पास कुआं आदि पहले से भी है, कुआं और तालाब की रक्षा खोद कर पृथ्वी के ऊपर पानी का निर्माण करना, उसकी भी पूजा करना,
पानी को तालाब की भी पूजा करते हैं, कुएं की भी पूजा करते हैं, हम नदी की भी पूजा करते हैं, समुद्र की भी पूजा करते हैं। ये इसलिए ये पृथ्वी का ऋण चुकाने के लिए कि तुम्हारे कारण इस पृथ्वी पर हमारे को पानी मिलता है, ये हमारे पास उसका ऋण चुकाने का कार्य है। लेकिन जब नदी को बांध दिया गया तो दत्तात्रेय ने कहा कि तेरे जीवन में तू याद रख, आने वाला संसार तुझे कभी भूल नहीं करेगा, क्योंकि तुमने समुद्र को बांधते हुए तुमने रोका है। तू 7 जन्म तक पत्नी रहेगा, क्योंकि समुद्र में नदी को मिलना है। आज तो आप देख रहे हैं हमारे पृथ्वी पर कितने बांध बंधे हैं, आगे हमारे पृथ्वी का क्या हाल होगा, किस तरह होगा, नदी प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, आज नदी की पूजा किस तरह होती है इसको भी। लेकिन हमारे पास इसको कल्याण का कार्य कहा जा रहा है। लेकिन हमारे पास प्रवाहित नदी अगर प्रवाहित होकर समुद्र में नहीं मिलेगी, समुद्र में नहीं मिलेगी तो समुद्र का जल मेघ बन के नहीं जाएगा, तो मेघ बन के जाएगा नहीं जाएगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। केवल बांध का पानी वहीं बंधा हुआ है तो आगे पानी किस प्रकार प्राप्त हो, एक क्रिया है जो भगवान दत्तात्रेय ने उस राजा के प्रति कही थी। हम इन सभी के होते हुए भी क्या पृथ्वी का ऋण चुका सकते हैं? पृथ्वी का ऋण चुकाने के लिए क्या कहा गया है? ऋषियों ने कहा कि हम तुम मेरे गोत्र हो, तुम ऋषि गोत्र से उत्पन्न हुए हो, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र है। जितने भी तुम हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो, तुम पृथ्वी का ऋण चुकाने का कार्य करें, तभी भी याद रखो हम मलमूत्र विसर्जन इसी पृथ्वी पर करते हैं, उसको गड्ढे में डाल देते हैं। क्या पृथ्वी ने हम उसका ऋण चुकाया है? क्या उसके प्रति हमने कुछ अपनी निष्ठा की है? ऋषियों ने इसके बारे में भी अपने प्रति कहते हुए कुआं तालाब या इसका पानी जो जल हम बोरिंग के रूप में लेते हो या किसी अन्य रूप में जल लेकर, अगर उस जल के साथ आज जल नहीं रहा तो हमारा जीवन नहीं है, और जल पृथ्वी से ही आता है, उस जल के लिए हम उसका ऋण भी नहीं चुकाए, वायु का ऋण भी हमने नहीं चुकाए या धरनी का कार्य नहीं करे, तो हम आधे मनुष्य कहला जाते हैं। क्योंकि हमें इससे ही उत्पन्न होना है और इसी में मिट जाना है, और इसके कारण ये धारण करने वाली धरणी हम तेरा ऋण किस प्रकार चुकाएं, ये बार बार कहते हैं। आपको पुत्री हो, आपके पुत्री को, आपके पुत्र को किस प्रकार प्रेम से देखते हैं, तो ये धरणी के आप धारण करने वाले पुत्र और पुत्रियां हैं। क्या आपके पुत्र पुत्री को जितना दुख होता है, उनकी शादी नहीं हुई, उनको कष्ट नहीं हुआ, उनको देने वाले, तो आज आपके पुत्र पुत्री आपको क्यों कष्ट पहुंचाते हैं? क्योंकि अपने अपने पुत्री का ऋण नहीं चुकाया, अपने देवताओं का ऋण नहीं चुकाया। आज अपने दिल को आए वैसा पृथ्वी को बड़े बड़े बुलडोजर के साथ खोद के रख दे रहे हैं। क्या खोदने के प्रति आपका उसमें स्वार्थ है? तो जरूर एक दिन पृथ्वी आपको भी खोद देगी, आपको भी निराकरण करने के कारण ऐसा किया है। इस ऋण का, पृथ्वी का ऋण चुकाना ही अपने माता पिता का ऋण चुकाना है, पृथ्वी का ऋण चुकाना है, पृथ्वी की पूजा करना ही इस संसार में श्रेष्ठता के साथ ऋषियों ने कहा गया है। हर ऋषि आश्रम में वो कभी भी यज्ञ यागादिकों से पृथ्वी को जल से ओतप्रोत करते थे और पृथ्वी का ऋण चुकाते थे। क्या आज हमने वो कार्य किया है? क्या इस कारण अगर हमसे नहीं हुआ है तो किस कारण से इसका कार्य होगा? ब्रह्मा ने भी ब्रह्म पुष्कर का निर्माण किया है, शिव जी ने भी अपने सर से गंगा को देकर पृथ्वी को धोया है, तब तक शिव जी भी पूजनीय नहीं हुए, ना विष्णु भी पूजनीय नहीं हुए जब तक उन्होंने गंगा को या सरस्वती या नदी को इस संसार में ऊपर से वर्षा का जल के रूप में पृथ्वी के ऊपर जल नहीं बरसाया, तो तब विष्णु भी पूजनीय हुए। जिसने पृथ्वी पर जल का निर्माण किया वही पूजनीय कहलाए। इसका कारण ब्राह्मण भी उस समय में यज्ञ आदि करके मेघालिकों को रखते हुए इसके ऊपर पानी बरसाते थे, तालाब खुदवाकर क्षत्रिय अपना कार्य करता था, जल देता था। जिसने भी इस संसार में पृथ्वी के ऋण चुकाने के लिए जल की व्यवस्था की, जल दिया, वो इस पृथ्वी पर पूजनीय हुआ, इसलिए उसको धरणीधर कहा गया है। इस धरणीधर की इस पृथ्वी को ऋण चुकाने के लिए और आपको स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी को किस तरह पूजा जाना चाहिए, किस तरह की साधना से इस संसार में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऋषियों ने एक बार उस वेन नाम के राजा को बताया जिसका पुत्र पृथु हुआ, और वह पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में प्राप्त कर कहा कि पृथ्वी जब तक तेरा नाम पृथ्वी है और मेरा नाम पृथु है, इस संसार में ये साधना करेगा, वो संसार में पृथ्वी पर आसन में यश के साथ, पूर्ण सुख के साथ, पूर्ण संतति के साथ, पूर्ण धन धान्य के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, जो पृथ्वी के बारे में अपना ऋण चुकाने का कार्य करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि पृथ्वी के मिट्टी को लेकर यह साधना मैं आज नहीं, मैं जब मेरे को घर नहीं था तब गुरु जी के कहने पर मैंने साधना की है। अपने पास जो भी खेत की मिट्टी मिलती है उसको पवित्रता से लाकर उसको उसका एक गोला बनाकर उस गोले के ऊपर स्वस्तिक बनाकर हल्दी कुंकू के साथ उसकी पृथ्वी की पूजा करते, मेघिनी की पूजा करते हुए उसके ऊपर पृथ्वी के यंत्र को, जो पृथु का यंत्र कहा गया है, उस यंत्र रखकर ये बात कहें कि हे धरणीधरे,
तूने मुझे धारण किया है, तो मैं इस भार को मुक्त, इस भार से मुक्त होने के लिए, मेरे भार को तू सह रही है, उस भार से मुक्त होने के लिए मैं आज बच्चे पैदा करूंगा, मैं आज बीवी को रहूंगा, मेरे संतान वृद्धि करूंगा, लेकिन ये भार तो मैं तुझे दे ही रहा हूँ, इस भार को कम करने के लिए मैं जो तेरी तुझे पूजा कर रहा हूँ, तेरे तुझे विष्णु रूप में प्राप्त कर रहा हूँ। इस संसार में भगवान ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, महालक्ष्मी, महाशी, महाकाली कोई भी हो, उन्होंने पृथ्वी को जल देकर सींचा है, फूल फल के रूप में उनको स्वीकारा है। पृथ्वी का मिट्टी हम भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाते, फूल से हुए, पृथ्वी से हुए फूलों को चढ़ाते हैं, फल को खाते हैं, मिट्टी नहीं खाते हैं। तो इस का ऋण चुकाने के लिए जो क्रिया करिए, हम पृथ्वी के ऊपर से आया हुआ जल अभिषेक के लिए उपयोग करते हैं, हम इस तरह इस पंच महाभूतों की पूजा करते हैं। उन पंच महाभूतों की अधिकारिणी देवी पृथ्वी की पूजा जब तक नहीं करता, इस पृथ्वी पर यश को प्राप्त करने की क्रिया नहीं होता। यह पृथ्वी को पृथ्वी ने और सप्तऋषियों ने वेन नाम के राजा को यह साधना प्रदान करते हुए कहा था कि तुम अगर इस संसार में यश कीर्ति चाहते हो, पृथ्वी के रहस्य को जानना चाहते हो, जो खेत के संबंधित या आज तुम जिस बात को इस भूमि से जो भी लाभ लेना चाहते हैं, भूमि का लाभ करना चाहते हैं, जिनको घर नहीं है, घर के लिए भूमि का लाभ प्राप्त करने के करने वाले, इस संसार में फल फूलों से वृक्ष को लेने वाले, फलों को अच्छी तरह खाने के लिए प्रक्रिया करने वाले, अपने शरीर को इस पृथ्वी से पोषने वाले, उसको ऋण को उस ऋण से मुक्ति करने के लिए इस पृथ्वी की पूजा करना आज श्रेष्ठता के साथ कहा गया है। आज नवमी का दिन है और ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी है, और इस दिन पृथ्वी और पृथ्वी का जो उपवेश पुष्कर में दिया गया था सप्तऋषियों के साथ, आज वह दिन है। आज पृथ्वी की इस प्रकार की पूजा और साधना करने वाला इस संसार में यश को प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी के मिट्टी के गोले को बनाकर अपने सामने रखकर, हल्दी से उसके ऊपर स्वस्तिक निकालकर, पृथ्वी यंत्र को रखकर, जो आज ही के दिन फूलों से पूजा करता है, जो भी फूल मिले उसके साथ, और ओम नमो भगवते धरणी धरे धरणी धरणी धरे स्वाहा इस मंत्र का जप करता है, वो पृथ्वी के ऋण से मुक्त होकर पृथ्वी पर जब तक रहेगा तब तक पृथ्वी उसकी सहायता करेगी, नहीं तो यह पृथ्वी उसी के रक्त की पिपासी होगी और उसका रक्त इस पर बहेगा और पृथ्वी उसके रक्त को लेकर ही शांत हो जाएगी। यह भी पृथ्वी ने किया है, अपनी सीता माता को ही पृथ्वी ने नहीं छुड़ा, जब दुखी हुई तो सीता माता अपने सशरीर जिसमें पृथ्वी गई और राम दुखी हुए। कृष्ण ने यह कार्य सत्यभामा के रूप में अपनी पत्नी को लेकर, उसके दुख का कारण उसके साथ लाख भी सहे, सत्यभामा ने लाधवीमान जी कृष्ण को आपको बताया, ये पृथ्वी की पुत्री थी, लेकिन उस पृथ्वी की कृष्ण ने पूजा की, इसलिए आज तक भी कृष्ण यशस्वी और बुद्धिमान गए। जो इस पृथ्वी की पूजा ने छोड़ा, इस संसार में यश कीर्ति और इस पृथ्वी पर पैसे वाले धनवान और पृथ्वी से लाभ करने वाले, भूमि से हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार घर बांध कर, पृथ्वी को बेच कर, पृथ्वी को रख कर, पृथ्वी की खेती करके, और आप उस पृथ्वी से ही मिला हुआ खाना खाते हैं, तो वो खाना शुद्ध हो कर आपके शरीर में आ जाए, आपको कोई बीमारी ना आए, इसका ऋण भी चुके चुकाने के लिए उस धनी का ऋण चुकाना है, और धनी का ऋण को चुकाने के लिए आपको इस साधना को आज के दिन करने पर यह यश प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। यह साधना इसलिए दे रहा हूँ कि आप में आलस्य चला जाए। जो पृथ्वी की पूजा करता है, ऋषियों ने कहा है कि वो 5 बजे जरूर उठेगा, और पृथ्वी पर सूर्य अपनी किरणें इसके ऊपर जाता है, कमला वज्रपाणी कहा गया है एक इस देवी सूक्त में या देवी उपनिषद में कहा गया है कि वो भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने वज्रपाणी अपने पानी को बरसाते हैं और इसको लेते हैं। तब हे भगवती धरणी, तुम्हें कहता है कि तेरी पूजा जो करेगा, जो इसके ऊपर यश को प्राप्त करेगा, जो साधना युक्त जीवन जिएगा, तुम साधना करोगे तो यश प्राप्त करोगे, राजा होंगे, प्रजा होंगे, या तुम किसी भी प्रकार के यश को प्राप्त करने के लिए, अपने पुत्र पोत्रों के ऋण को चुकाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, 7 पीढ़ियों तक भी इस पृथ्वी की पूजा करते हुए जो कहा उसकी 7 पीढ़ियां नहीं। आजकल तो लड़कियां होने के कारण आगे पृथ्वी आपकी आगे का वंश भी नहीं रह रहा है, आगे का वंश नहीं होने से ये वंश चले गया और इस पृथ्वी का ऋण तुमने नहीं चुकाया, पृथ्वी का ऋण भी नहीं चुकाया तो आप पितरों का ऋण क्या चुकाओगे। ये सारे संसार में हमारे लिए नहीं, उन सभी के लिए। आज जो आप राजकाट चल रहे हैं, पृथ्वी पर बम डाले जा रहे हैं, लोग कत्ल होते जा रहे हैं, दूसरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं है, पृथ्वी के बारे में उनकी चिंता नहीं है, इसलिए आज देखते हैं वहाँ रक्तपात है, वहाँ आज लोग मर रहे हैं क्यों, और यहाँ पृथ्वी की पूजा होने के कारण, उस विष्णु की पूजा करने होने के कारण, जो भगवान पृथ्वी के पति कहलाए गए हैं, उनकी पूजा होने के कारण आज वह ये शांतियुक्त देश कहा गया है पहले से भी, लेकिन यहाँ भी वो लोग आकर उपद्रव करना चाहते हैं, आज नहीं सालों से करना चाहते हैं। अगर आप अपने पृथ्वी का ऋण और अपने गुरु ऋण को चुकाना चाहते हैं तो आज के दिन यह नवमी वह दिन है, तुम आने वाले 7 पीढ़ियों तक भी तुम्हारे पति हो, तुम्हारे पुत्र हो, या तुम फिर जन्म ले, तुम्हारे पापों से मुक्त होने के लिए फिर जन्म लेगी, तो यह पृथ्वी तुम्हें याद रखकर तुम्हारे उस ऋण से
चिंता करते हुए तुम्हें एक सुख सौभाग्य वाला जीवन प्रदान करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप सिद्धाश्रम पहुँचने से पहले आप इस पृथ्वी का ऋण चुका दो। आप एक श्रेष्ठ मनुष्य के तत्व में यश कीर्तिमान बनो, और यश कीर्तिमान बनते हुए अगर आप आगे चलते हैं तो इसका कार्य इसके ऊपर इस पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का ऋण चुकाने वाले कहलाए जाओगे। और इस पृथ्वी का ऋण चुकाने वाला मनुष्य ही इस संसार में श्रेष्ठ हुआ, वो ऋषि हो तो या वो देवता हो या फिर मुनि हो या संत हो या महात्मा हो। बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं उपवास करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का हम भार ना बने, पृथ्वी के ऊपर लिए हुए चीज़ों को हम ना लें, लेकिन उनसे पृथ्वी कर्म के कर्म रहित होने के कारण वो लोग पृथ्वी का भार ही बन गए हैं। पृथ्वी का भार जहाँ जहाँ जब तक बना, जब तक ये सारी वेदों की रुचियाँ हैं चलती चली गई, हम इस संसार में यश प्राप्त नहीं। तुम्हारे खेत में अन्न नहीं हो रहा है तो तुमने पृथ्वी के प्रति द्रोह किया है। तुम्हारे को घर नहीं है आज तक, घर नहीं हुआ और घर बंधा नहीं है तो तुम पृथ्वी के ऋणी जरूर हो। तुम्हारे माता पिता को तुम सुख नहीं दे रहे हो, अन्नपान नहीं दे रहे हो, माता पिता को सुख नहीं दे रहे हो तो तुम पृथ्वी के ऋणी हो। तुम अपने पति से बिछड़े हुए हो, तुम अपने पुत्र पोत्रों को कुछ नहीं दे रहे हो तो तुम पृथ्वी के ऋणी हो, क्योंकि पृथ्वी तुम्हें वो पुत्र पोत्र नहीं दे जो उस पुत्र पोत्रों के साथ वो निष्ठावान यहाँ है। इस प्रकार तुम अपने गुरु को द्रोह किए हो तो गुरु के द्रोह को पृथ्वी भार युक्त समझती है। उस मनुष्य को जो इसने मेरे ऊपर भार जो गुरु का कार्य गुरु का द्रोह किया है, उस गुरु के द्रोह से अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो पृथ्वी का भार न बनते हुए अगर जीना चाहते हो तो उस पृथ्वी के ऋण को चुकाओ। और उस साधना को धरणी भगवती धरणी की पूजा का दिन कहा गया है। आज वेन ने पृथु महाराज ने पृथ्वी को यह साधना देकर कहा है कि आज जो ये साधना करेगा वो इस पृथ्वी के ऋण से चुका कर अपने आप को अपने पुत्र पोत्रों को सभी को और अपने वंश को उज्ज्वल बनाने वाला विष्णु भक्त कहलाया जाएगा और वैकुंठ को प्राप्त करके या कैलाश शिव जी के पास जाकर वो श्रेष्ठ कहलाएगा और अपने गुरुकुल या गुरु पद्धति के मार्ग से गुरु मार्ग पर जाएगा। हो सकता है हमारे जीवन में हमने गलतियाँ की हो, हमारे पुत्र पोत्रों को हमने मारा हो, अपने माता पिता को हमने कष्ट दिया हो, हमने माता पिता की सेवा नहीं की हो, अपने गुरुओं की सेवा नहीं की हो, अपने गुरु को द्रोह किया हो, तो वो सभी लोग भूखे भार कहलाए गए। अपने पति की सेवा हमने नहीं की हो, हमारे को पुत्र पोत्रों की उत्पत्ति नहीं हुई हो, हमने घर नहीं बांधा हो, ये सारी दोष की जो क्रियाएँ हैं आप पृथ्वी के ऋणी हैं। यही बात कहते हुए ऋषियों को उन्होंने कहा था कि आपको आपके जमीन से आपको पैसा नहीं, आपके नाम से जमीन हुई, आपके नाम से जमीन नहीं मिल रही है तो आप पृथ्वी के ऋणी हैं। आप पृथ्वी आपको वो फायदा नहीं करवाना चाहती, वो फायदा नहीं देना चाहती, जिसके कारण वो आशा बताती है कि तू मेरा ऋणी है, मैं तेरे को ये बताती हूँ ये तेरा है लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगी जब तक तू मेरी पूजा नहीं करेगा, जब तक तू मेरे स्वार्थ के बारे में नहीं दूंगा। तुम्हारे नाम से ये तेरा है लेकिन मैं तुझे इसलिए नहीं दूंगी कि तूने मेरा ऋण नहीं चुकाया। ऋण तभी पता चलता है अपने को कि जब अपने पास पैसा हो या हमने किसी को दिया हो और वो अपने को नहीं देता हो। जब पैसा तुम्हारा हो तो तुम ऋण कहेंगे उसको। उसी तरह पृथ्वी जमीन तुम्हारी हो लेकिन उसकी जमीन का फायदा तुम्हें नहीं हो रहा, उस घर का फायदा तुम्हें नहीं हो रहा तो तुम उसके ऋणी है। वो पुत्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या और किसी के रूप में हो। आप आज के दिन यह साधना 11 मालाओं की साधना करना है, लेकिन मैं केवल उन लोगों को साधना है इस साधना को प्रदान करूंगा जो लोग अपने साथ अभी बैठे बैठे हुए निःशब्दता के साथ एक माला ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः कहेंगे। और मैं गुरु से प्रार्थना कराऊंगा कि गुरु जी जो आपके प्रति निष्ठावान है, जो आपके प्रति निष्ठा रखते हैं, केवल उन्हीं को या उस यंत्र में वो साधना कर सके, बाकी लोग ना कर सके, क्योंकि वो पृथ्वी गर्मी वैसे जिनके आपके ऊपर जिनका विश्वास नहीं है, साधनाओं के ऊपर जिनका विश्वास नहीं है वो साधना ना करें। और जो साधना करें हैं, मैं इसलिए इस मंत्र को दे रहा हूँ कि जो इस मंत्र को एक माला जप करेगा उन्हीं को यंत्र और साधना मिलेगी और वो साधना दूंगा और जो पृथ्वी के ऋणी ऋण से मुक्त हो जाएंगे। समय 5 मिनट का देता हूँ, आप सब लोग ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः साधना करें, उसके बाद मैं इस पृथ्वी रूपी पृथ्वी से ऋण छूटने की साधना आपको प्रदान करता हूँ।